तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पोर्टेबल वेइंग स्केल को। आप देख सकते हैं ये स्केल कुछ इस तरह के सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होके आता है। बॉक्स पे इसका इमेज दिया गया है और पीछे इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है। नीचे इसका MRP दिया गया है जो कि 999 है, पर ऑनलाइन ये आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। अब हम बॉक्स के अंदर आने वाले चीज़ों को देख लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है ये वेइंग स्केल, दो फ्री AAA बैटरीज और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब हम इस स्केल को देख लेते हैं। ये स्केल फैडमैन ब्रांड का है। ये है इसका LCD डिस्प्ले जो कि ग्रीन कलर में ग्लो करता है। डिस्प्ले के पास ही हमें ऑन ऑफ, एयर और यूनिट चेंज करने का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ हमें एक मेटल का हुक मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी मजबूत भी है, और ऊपर में इसे पकड़ने के लिए मेटल का क्लैंप भी दिया गया है। ये क्लैंप एडजस्टेबल भी है और आप इसे आराम से कैरी करने के लिए इसे अंदर भी कर सकते हैं। वैसे इसका आउटर बॉडी ABS प्लास्टिक से बना हुआ है। इसका बैटरी कंपार्टमेंट पीछे दिया गया है और इसमें दो AAA बैटरीज लगते हैं। अब हम इसे टेस्ट करते हैं और आपको इसे दिखाते हैं। हमारे पास अभी एक बैग है और हम इसका वेट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये वेट शो कर रहा है। आपको इसे यूज़ करते वक्त इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है और इसे स्टेबल रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा हिलाते हैं तो ये करेक्ट रीडिंग शो नहीं करेगा। इस स्केल में हमें ऑटोमेटिक रीडिंग लॉक का फीचर मिलता है। वेट स्टेबल होने के 2 सेकंड बाद ही ये ऑटोमेटिकली रीडिंग को लॉक कर देता है और फाइनल रीडिंग शो करता है। आप यहाँ ऊपर लॉक का सिंबल भी देख सकते हैं। आप इसमें टेयर फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस बैग का वेट करते हैं और आप बुक का वेट भी देख सकते हैं। अब हम दोबारा इस बैग का वेट करते हैं और अब हम टेयर को दबा देते हैं। आप देख सकते हैं कि वेट 0 हो गया है। अब हम इस बुक को बैग में डालते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे सिर्फ बुक का वेट ही शो हो रहा है, क्योंकि बैग का वेट हमने टेयर करके पहले ही 0 कर दिया था। ये एक अच्छा फीचर है। हमारा ये स्केल 100 ग्राम से कम के वेट को शो नहीं करता है। ये सिर्फ 100 ग्राम से ऊपर का ही वेट शो करता है। आप इससे 20 kg तक के वेट को आराम से चेक कर सकते हैं। 20 kg से ऊपर के वेट को आप इसके क्लैंप को पकड़ के उठा नहीं सकते, क्योंकि इसका क्लैंप छोटा है और ज़्यादा वेट उठाने पर आपकी उंगलियों में दर्द होगा। ज़्यादा वेट को चेक करने के लिए आपको इस स्केल को कहीं टांगना होगा और फिर आप इससे ज़्यादा वेट भी आराम से चेक कर पाएंगे। तो ओवरऑल अपने प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा वेइंग स्केल है और आप इसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है और आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो बस इतने ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।